वन कैसे आप सब और अभी दो सुबह के दस बज रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं बर्तन भी धो लिए सुबह का नाश्ता भी बन गया है और मेरी पूजा भी हो चुकी है तो अभी मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद आपसे तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ खिचड़ी और आज सटाडे है तो सैटरडे को मैं खिचड़ी बनाती हूँ हर सैटरडे को तो इधर मैं कुछ सब्ज़ियाँ डा मटर जैसे मटर आलू गोभी और यही सब सब्ज़ी डाल दा, के मैं खिचड़ी बना रही हूँ और इधर मेरी बेटी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वही पूछने आई थी तो कुकर में मैंने तेल डाल दिया है हींग जीरा और प्याज हरी मिर्च कटा हुआ लहसुन अदरक टमाटर भी डाल दिया था मैंने और इन सबको मैं लगभग पाँच सात मिनट तक भून ली थी और इसमें हम सब्जियाँ भी डाल देंगे सॉरी मसाले डाल देंगे मसाले में वही रूटिंग के जो मसाले होते हैं धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर इन सबको डाल के भी मैं पाँच मिनट और भून लूँगी मसाले को और इधर मैं सब्जी भी डाल दूँगी सब्जी में मैंने मटर गाजर और आलू और ये फुलकोभी है तो यही सब मैं डाल दूँगी और इसको भी दो चार मिनट तक मैं भून लूँगी उसके बाद मैं धुल के जो रखी थी दाल और चावल वो भी डाल दूंगी और साइड बाय साइड में सफाई भी करती रहती हूँ और चावल और दाल को मैंने डाल दिया है कुकर में और इसमें मैं पानी डाल दूंगी और कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी लगभग लगा लूँगी और इधर बेसन लाए थे तो मैं डिब्बे में डाल देती हूँ तो ये मेरी खिचड़ी बन गई है और आज आज सटरडे है तो मैं यहाँ पे आई थी यहाँ पे मंदिर है सनी देव का तो वहीं पे मैं दिया जल जलाने आई थी और इधर मैं घर आ गई थी और शाम को मैं बना रही थी पकोड़े मिर्ची के और ये प्याज के साग के पकोड़े तो पहले मैं चटनी बना रही थी धनिया पत्ते लहसुन मिर्ची और अदरक का और टमाटर का चटनी बना रही थी तो वही मैं सिलबट्टे में पीस लेती हूँ चटनी को और दो टमाटर को मैंने गैस पे थोड़ा सा जला लिया था और टमाटर को मैं भी टमाटर को भी मैं पीस लूँगी तो टमाटर को थोड़ा तो जला लेने से टमाटर का चटनी अच्छी लगती है तो ये धनिया और टमाटर का चटनी मेरी बन चुकी है और इधर मैं प्याज काट रही हूँ आलू आलू का उसमें डालूँगी और इधर मैं प्याज के साग को भी काट लेती हूँ छोटे छोटे और ये बड़ी वाली जो मिर्ची थी इसको मैं बीच में एक कट लगा 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 दिया है मैंने और ये मिर्ची को भी मैं छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लूँगी और ये लहसुन जो लहसुन और अदरक जो था उसको मैं कद्दूकस कर लूँगी ये मैंने प्याज के साग को काट लिया है छोटे छोटे और ये मेरा मिर्ची है बड़े बड़े ये बड़े वाले मिर्ची है इसके भी मैं पकोड़े बनाऊंगी और ये आलू के आलू मैंने काट लिए छोटे छोटे क्योंकि मेरे बच्चे प्याज के साग के पकोड़े नहीं खाते हैं इसीलिए मैं आलू के भी उन लोग के लिए थोड़ा सा पकोड़े बना रही हूँ और मिर्ची भी छोटे छोटे काटी हूँ और लहसुन अदरक बस प्याज के पकौड़े में डालूँगी इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि तो बच्चे जो पसंद भी नहीं करते हैं। और ये प्याज भी आलू में डाल दूंगी तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है तो पतीले में आलू में हमने प्याज डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी और इसमें बेसन भी डाल दूंगी और कढ़ाई में हमने ये रिफाइन ऑयल डाल दिया है और इसमें नमक डाल दूँगी हल्दी और मिर्ची और इन सब को मैं मिला लूँगी और कढ़ाई मेरा हमारा तेल गर्म हो चुका है उसमें हम एक एक करके सारे पकौड़े डाल देंगे तो इसको हम एक बार पलट देंगे और ये हमारे पकौड़े बन चुके हैं इसको हम निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में हमने और एक बार डाला था वो भी हमारे बन चुके हैं वो भी मैं मैं निकाल लूँगी और उसी तेल में हमने मिर्ची के पकोड़े भी बन गया था हमारा वो भी मैं निकाल लूँगी तल के और पालक के पकोड़े के लिए हमने वही सब लिए हैं सारे मिर्ची लहसुन अदरक और वही सब मसाले हल्दी मिर्च और नमक वही सब लिए और सा इस सबको मैं मिला के कढ़ाई में मैं डाल दूँगी और मेरे ये पकोड़े बन चुके हैं प्याज के साग के पकोड़े तो मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू और ये देखिए मेरे पकोड़े बन चुके हैं धनिया पत्ते की चटनी के साथ